हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विद शिप्रा। आज मैं आपके साथ पनीर लबाबदार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आज हम रेस्टोरेंट से भी अच्छा पनीर लबाबदार घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर लबाबदार की रेसिपी। पनीर लबाबदार बनाने के लिए पहले हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। तेल हल्का सा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड कर रही हूँ। 3 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। 2 इंच मैं इसमें कटे हुए अदरक के टुकड़े ऐड कर रही हूँ। 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और 2 हरी इलायची ऐड कर रही हूँ। अब हमें प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब मैं इसमें 4 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ में ही 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और कुछ हरे धनिए की डंडियाँ ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे जिससे टमाटर जल्दी से पक जाए। टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब मैं इसमें 15 काजू ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर तरबूज के बीज ऐड कर रही हूँ। अब हम टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको ढककर 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। टमाटर और प्याज को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए और टमाटर पूरी तरह से पक गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक प्याज और टमाटर ठंडे हो रहे हैं तब तक हम पनीर को हल्का सा भून लेंगे। मैं यहाँ पर कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। तेल हल्का सा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 300 ग्राम पनीर ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम पनीर को 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा पका लेंगे। हमें पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है। पनीर को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर को हम साइड में रख देते हैं और प्याज और टमाटर को एक बार चेक कर लेते हैं। प्याज और टमाटर हल्के से ठंडे हो गए हैं, अब हम इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी हटाकर अलग कर देंगे और इसको मिक्सी में पीसकर इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। मैंने प्याज और टमाटर को पीसकर एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम ग्रेवी को पकाएंगे। ग्रेवी को पकाने के लिए मैं कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। इसके साथ में ही 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1 स्लिटकी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके साथ में ही 1 टीस्पून अदरक का लच्छा ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें पिसे हुए प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी डालना ऑप्शनल है, बट टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें चीनी ऐड की है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी में 1 उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में 1 उबाल आ गया है, अब मैं इसमें रोस्ट किया हुआ पनीर ऐड कर दूंगी। इसके साथ में ही मैं इसमें 50 ग्राम कसा हुआ पनीर ऐड कर दूंगी और अब
हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। पनीर को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें सबसे लास्ट में 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें दूध की ताज़ा मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर अच्छी तरह से पक गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हमारा पनीर लबाबदार बनकर एकदम रेडी है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने पनीर लबाबदार को सर्व कर लिया है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर घिसा हुआ पनीर डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर लबाबदार बनकर एकदम रेडी है। आप इसको रोटी, पराठा या नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप एक बार इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।